नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सनिका जायका में। अक्सर हम जब बाहर ट्रैवलिंग करते हैं या सफ़र पे जाते हैं तो हम हमारे घर की चाय को बहुत ही मिस करते हैं। तो चलिए आज हम चाय की प्रीमिक्स बनाएंगे ताकि जब कभी हम बाहर ट्रैवलिंग पे जाएं या घर से बाहर जाएं तो घर की चाय को मिस ना कर सकें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम चाय की प्रीमिक्स बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम अपनी प्रीमिक्स की तैयारी करते हैं। 1/4 कप हमने चाय पत्ती ली है और हमने 10 से 12 हमने काली मिर्च ली है, 6-7 हमने हरी इलायची ली है और 1 चम्मच हमने सौंठ का पाउडर लिया है। तो इन सब को हम डाल देंगे मिक्सचर जार में ग्राइंड होने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो आज हम प्रीमिक्स बना रहे हैं ये उन लोगों के लिए है, खासकर जो ज़्यादातर ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत दिनों तक सफ़र करते हैं और घर की चाय को बहुत मिस करते हैं, तो उनके लिए ये बनाना और पीना बहुत ही आसान है। तो ये प्रीमिक्स वो अपने घर से बना के साथ में बहुत इजीली लेके जा सकते हैं और तुरंत जब भी मन करे इसको बना के पी सकते हैं। तो ये देखिए, हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है हमारे चाय पत्ती के पाउडर को। तो चलिए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको हमको बहुत ही फाइनली ग्राइंड करना है। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से बारीक से ये पिस चुका है हमारा, एकदम पाउडर बन चुका है। लेकिन इसमें इलायची के जो छिलके हैं वो पूरी तरह से नहीं पिसते हैं, तो उसके जो रेशे हैं वो रह जाते हैं। तो चलिए इसके लिए हम इसको छान लेंगे ताकि इलायची के छिलके के जो रेशे हैं वो रह जाए, नहीं तो हम चाय पियेंगे तो बीच में वो रेशे आएंगे तो चाय पीने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से हम उसको छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है प्रीमिक्स, इसको ले जाना भी बहुत इजी है, कैरी करना, छोटे छोटे जो पाउचेज होते हैं जिप लॉक के, आप उसमें डाल के आराम से इसको आप कैरी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम इसको छान लेंगे, इसका जो पाउडर है वो निकल जाएगा और जो छिलका है वो रह जाएगा, इसको हम निकाल देंगे। अब चलिए, एक मिक्सचर जार लिया है हमने, उसमें हम लेंगे 3/4 कप चीनी यानी कि शक्कर, वो हम जार में डाल देंगे। अब डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर, जो भी कंपनी का आपके पास में है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो चाय पत्ती जो हमने मसाला बनाया था चाय पत्ती के साथ में, वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आप चाय मसाला यूज़ करते हैं तो आप चाय पत्ती के साथ में वो चाय मसाला डाल के भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए, हमने ग्राइंड कर लिया है, चलिए हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से फाइन पाउडर बन गया है, चीनी भी बहुत अच्छे से पिस चुकी है। हमें बिल्कुल इसी तरह का पाउडर बनाना है। अब इस पाउडर को छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये पाउडर बिल्कुल इस तरह का लगेगा। तो इसको बनाना भी फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है, स्टोर करना भी इसको बहुत ही ईजी है। तो चलिए, अब इसको हम स्टोर करेंगे एक एयर टाइट कंटेनर में। तो इसको एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर करके 6 महीने के लिए आराम से इसको रख सकते हैं, लेकिन इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए, पाउडर को हम एयर टाइट में कंटेनर में आराम से रख के स्टोर कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना है चलिए फ्रेंड्स वो देखते हैं। 1 ग्लास में हमने बॉइल्ड पानी लिया है 1 कप। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे प्रीमिक्स का पाउडर। अब इसको हम अच्छे से चम्मच से इसको मिला के अच्छे से हिला के मिला लेंगे, इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, हाँ, इस चाय को हमें तुरंत नहीं पीना है, 2-3 मिनट के लिए इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इसमें चाय पत्ती का जो पाउडर होता है वो नीचे बैठ जाए। तो इस तरह से वो नीचे बैठ जाएगा और फिर हम आसानी से चाय को पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ये प्रीमिक्स बनाइए और इंजॉय करिए, और हमें भी बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए, अब जल्दी मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।